कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार प्रशासनिक अधिकारियों और जनता से सफाई की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को नगरपालिका अध्यक्ष मीरा गांधी और ईओ नगरपालिका एटा की रोड पर गंदगी डालकर ठेंगा दिखा रहे हैं। नगरपालिका कर्मचारियों और अधिकारियों की शहर में घोर लापरवाही देखने को मिली है। शहर के शिकोहाबाद रोड पर नगरपालिका द्वारा की गई नालियों की सफाई से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, यहां नालियों में भारी सिल्ट को निकाला गया और खाने पीने की मिष्ठान की दुकान के सामने रोड पर सिल्ट को डाल दिया गया, जिससे दुकानदारों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं, गंदगी से तो बीमारियाँ ही पनपती हैं सर। हमारे जो मोदी जी हैं, वो साफ सफाई का अभियान क्या वो चला रहे हैं। हमारे डीएम साहब भी अपील कर रहे हैं इसीलिए, लेकिन ये हमारे जो नगर पालिका परिषद के जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने ये सारी गंदगी निकाल के यहाँ डाल दी है। इससे तो बीमारियाँ ही पनपेंगी, जबकि डीएम साहब का आदेश है कि ये गंदगी निकाल के इसे टैंकर में भर के तुरंत साफ सफाई करवानी चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त